अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट टू का लेक्चर नंबर 41 से लेके लेक्चर नंबर 45 तक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है क्योंकि हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब हम लोग ने ये पढ़ना है एक नया टॉपिक, लेक्चर नंबर 41 इसी एक टॉपिक पर है। अब भी हमने सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक सिमिलर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग से बहुत सिमिलर है, आपने याद रखना है, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किससे सिमिलर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग हमने पहले पढ़ा था ना, उससे सिमिलर है। तो ये आपका यहाँ से MCQs है, उसके बाद देखते हैं कि इसको ये होता क्या है। और यहाँ पे एक और MCQs भी आपका बन सकता है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग BPR, इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो BPR स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी आपको MCQs आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस प्रोसेस में क्या होता है। ये हमारे पास एक सेट होता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं, ठीक है, एक लॉजिकल टास्क होते हैं, आपने याद रखना है कि ये एक लॉजिकल टास्क का एक सेट होता है जो हमारे पास किसी भी बिजनेस आउटकम को अचीव करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। जब हम कुछ भी अचीव करते हैं तो हमें उसको अचीव करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो बिजनेस आउटकम को अचीव करने के लिए हम जो टास्क परफॉर्म करते हैं उनका जो सेट होता है, इनके उन सारे टास्क को कंबाइन करके एक सेट बना दिया जाता है, उसको बिजनेस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई उन लोगों ने आपको, परचेजिंग सर्विस एंड सप्लाइज, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, पेइंग सप्लाइज एंड आर द एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस की एग्जांपल्स कौन सी हैं और उसकी डेफिनेशन, ये आपको पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है तो वो देखें इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बिजनेस डेफिनेशन होती है, उसके बाद प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर प्रोसेस की एवोल्यूशन होती है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, फिर प्रोटोटाइपिंग होती है और फिर रिफाइनमेंट होती है। ये जो आपको डायग्राम दी हुई है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको पेपर में ये डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकती है कि ये बिजनेस प्रोसेस मॉडल या फिर BPR आप कह सकते हैं इसको, BPR प्रोसेस मॉडल की डायग्राम को ड्रॉ करें, या फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे सकते हैं और आपको कहेंगे कि इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करें, या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि BPR में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन तीन तरह से आपके पेपर में आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे इस लेक्चर का। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वन बाय वन। सबसे पहले बिजनेस डेफिनेशन है। बिजनेस डेफिनेशन में क्या होता है कि आपके जो बिजनेस के गोल्स हैं ना, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस डेफिनेशन के अंदर बिजनेस को डिफाइन करते हैं, यानी कि कौन कौन से गोल्स हैं, उन सारों को आइडेंटिफाई करके डिफाइन कर दिया जाता है कि कौन कौन से गोल हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस आता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है। इस क्या होता है, एट दिस टाइम प्रोसेस दैट आर क्रिटिकल टू अचीव, वो प्रोसेस जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिनको अचीव करना, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर एक इंपॉर्टेंट से रैंक कर देते हैं कि सबसे पहले ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गोल को अचीव करने के लिए, हमारे पास कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उनको रैंक किया जाता है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस हमारे पास जो हो जाते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको आगे एवोल्यूट करेंगे। ऐसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे अगला थर्ड स्टेप है कि प्रोसेस की एवोल्यूशन होती है, उसके बाद उनको एवोल्यूट करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, उनको मेयर करते हैं और उसके बाद प्रोसेस टास्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या उसके ऊपर जो कॉस्ट कंज्यूम होगी वो सारी कॉस्ट भी मेयर कर ली जाती है इसी स्टेप के अंदर। उसके बाद प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखें, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन इज कैरी आउट, उसके बाद ये अगला स्टेप होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास यूज़ केस प्रिपेयर किए जाते हैं, हर प्रोसेस के लिए यूज़ केसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से होंगे, और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग की फेज़ के अंदर वो चला जाता है। देखिए यहाँ पे आपका स्टेप है प्रोटोटाइपिंग, उसके बाद लास्ट हमारे पास रिफाइनमेंट का स्टेप है। उसके बाद क्या हो गया, अब रीडिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस जो है वो प्रोटोटाइप होना चाहिए, इसके पहले कि उसको फुली इंटीग्रेटेड करने के से पहले वो प्रोटोटाइप होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोटाइप उसके बाद जो हमारे पास जो फीडबैक होगी उसकी बेस पर बिजनेस प्रोसेस रिफाइन किया जाएगा, जो हमारा लास्ट स्टेप है कि बिजनेस प्रोसेस को रिफाइन करना है, तो फीडबैक की बेस पर बिजनेस प्रोसेस को रिफाइन किया जाएगा। तो लेक्चर नंबर 41 में इन्हीं स्टेप्स की इंपॉर्टेंस आपको बताई है, इनको एक्सप्लेन किया वन बाय वन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 41 से जो आपके पेपर में आ सकता है और ये वो क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 42 है सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग। अब रीफैक्टरिंग में क्या देखते हैं, रीफैक्टरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेंज करते हैं, यानी कि हम अगर इंटरनल सिस्टम चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, तो एक्सटर्नल पे कोई भी उसका जो है वो इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, एक्सटर्नल सिस्टम बिल्कुल चेंज नहीं होगा जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर सिस्टम का इंप्रूव हो जाएगा। अगर हमने कुछ इंप्रूव करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर रीफैक्टरिंग प्रोसेस के अंदर हम उसको इंप्रूव करते हैं और इंटरनल हम प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, तो उस पर एक्सटर्नल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। यहाँ पे एक फॉलर की डेफिनेशन है, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे कह सकते हैं कि फॉलर ने किस तरह से रीफैक्टरिंग को डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखें, फॉलर डिफाइंस रीफैक्टरिंग एज अ चेंज मेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड चीपर टू मॉडिफाई विदाउट चेंजिंग दी टू इट्स ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि एक्सटर्नल चेंजिंग के बगैर इंटरनल चेंजिंग कर दी जाए जिससे सॉफ्टवेयर ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाए।
चीपर हो जाए और मॉडिफाई हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल कुछ भी चेंज ना हो। यही इसका बेसिक था, ये आपको डेफिनेशन पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, प्रोग्रामर जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय ग्रुपिंग डुप्लीकेट कोड टुगेदर। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने आपको दी हुई है कि अगर एक कोड बार बार डुप्लीकेट हो रहा है तो उस कोड को अगर एक ही दफ़ा हम लिखते हैं तो उसकी क्या होगा कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी कोड की। यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा कोड दिया हुआ है, तो इस कोड में देखें, एक यहाँ पे दो दफ़ा सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेंड हो रहा है, एल्स के बाद भी सेंड हो रहा है, स्टेटमेंट इफ एल्स लगी हुई है और उसके बाद दो दफ़ा सेंड हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि हम दो दफ़ा सेंड करने के बजाय एक ही बार सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और हमारा जो है कोड ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया है। अब यहाँ पे देखें, इफ एल्स लगाने के बाद एंड पे आप उनने सेंड का वो लगा दिया आर्गुमेंट। तो देखें, इस तरह करने से आपका कोड छोटा भी हो गया है, मेंटेनेबल भी है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो ये भी एक छोटा सा आपको इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद है रीफैक्टरिंग वेयर टू स्टार्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे हम अपने कोड को री जो है वो फैक्टर करें, तो फ्लोरन ने इसको डिफाइन किया, एक सिस्टम को डिवाइस किया था, ठीक है, जिसको हम ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच कहते हैं, जो हमें बैड स्मेल उसको एडजेंट कहते हैं कि कोड के अंदर कोई बैड स्मेल ना हो। और ये फिलोसफी कहती थी कि अगर इफ़ इट स्टिंक्स चेंज, यानी कि अगर वो जो है बैड स्मेल है उसमें से स्मेल आ रही है तो उसको चेंज कर दें, ठीक है। एक सिंपल सा उन्होंने प्रोव अभी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब बैड स्मेल कोड के अंदर क्या होती है, ये सारे आपको बैड स्मेल्स नीचे आपको गिवन है, ये सारे बैड स्मेल्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आता है, हर बार ही आ चुका है, तो इस बार भी ज़रूर आएगा। तो इसलिए बैड स्मेल्स इन कोड में आपने सारे बैड स्मेल्स को एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप इसको क्विक रीड देंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक वर्ड की है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले तो डुप्लीकेट कोड है, अगर आपका कोड डुप्लीकेट होगा, आप एक तरफ मॉडिफाई करेंगे और दूसरे पे मॉडिफाई नहीं किए करेंगे तो आपके कोड के अंदर बग आ जाएगा। लॉन्ग मेथड है, जो लॉन्ग मेथड होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद लार्ज क्लास हमारे पास जो है वो टू मच उसके लिए में करना पड़ता है, जो हमारे पास कोहेशन को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग पैरामीटर्स हैं, लॉन्ग पैरामीटर्स जो हमारे पास हैं वो हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं, ये बस इतना सा आपने याद रखना है। उसके बाद डाइवर्जन चेंज है, डाइवर्जन चेंज को भी आपने देख लेना है। फिर शॉर्ट गन हमारे पास सर्जरी है, उसके बाद हमारे पास फीदर एन भी है, शॉर्ट गन वाली भी लास्ट 2023 में पेपर में आ चुकी है कि एक चेंज रिक्वायर लॉट ऑफ लिटिल चेंज इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। एक छोटी सी चेंज करने के लिए हमें सब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चेंजिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कोड काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो ये एक बैड स्मेल है। अगर बैड स्मेल आती है तो उसे कोड से रिमूव कर दें, अगर आपके कोड के अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसे कोड से हम हटा देते होते हैं, ठीक है। डाटा क्लम्स है, प्रिमिटिव ऑब्जेक्शन है, स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में जो है वो डुप्लीकेट कोड के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के जरिए से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमने देखी थी एग्जांपल जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की हुई थी। उसके बाद हमारे पास लेजी क्लास भी होती है, लेजी क्लास क्या होता है, क्लास दैट नो लॉन्गर पेज इट वे, तो ये भी आपने देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये कोई भी एक पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि लेजी क्लास को डिफाइन करें या फिर स्विच स्टेटमेंट को डिफाइन करें, या फिर स्विच स्टेटमेंट और लेजी क्लास दोनों को डिफाइन करें, या फिर जो बैड स्मेल्स हैं उनकी कुछ लिस्ट करते हैं, उनको 5-6 आपको आ जाएंगी, आपने उनको लिखनी होंगी। फिर मैसेज चेन है, ये मैसेज चेन वाला अभी भी 2023 में आ चुका है कि क्लाइंट आस्क एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट, फिर उस वो ऑब्जेक्ट इन अदर ऑब्जेक्ट, फिर वो इन अदर को, यानी कि ये जो है वो बैड स्मेल बन जाएगी, क्योंकि क्लाइंट जो है वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। तो एक क्लाइंट ने एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कहा, दूसरे ऑब्जेक्ट से कहा, उसने दूसरे से, तो ये एक चेन बन गई है, तो ये एक मैसेज की चेन बन गई है, तो ये भी हमारे पास एक बैड स्मेल है। तो ये सारी बैड स्मेल्स हैं, यहाँ पर आपने सारी अच्छे तरीके से पेपर करनी है। और ये कमेंट वाली भी पेपर में आ चुकी है 2023 में, ये कमेंट वाली, शॉटगन वाली और कौन सी थी, ये वाली मैसेज चेन, ये तीनों आई थी, तीनों को डिफाइन करना था और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग शॉर्ट ना भी आए तो आपको एमसीक्यू 3-4 जरूर आएंगे। तो ये आपने बैड स्मेल सारी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी और कोई भी नहीं छोड़नी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, इनको प्रोग्रामिंग की जिनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो ये स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 43 में भी यही कुछ कोड एक्सप्लेन हुए हैं, वो एक ही कोड को बार बार उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और कमेंट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन लोगों की कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और जिन नहीं करना चाहते वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये स्किप कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास CMMI है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ये वाला मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इसको पढ़ लिया है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल होता है, ठीक है, एक रेफरेंस मॉडल है ये हमारे पास मैच्योर प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन जितने भी होते हैं वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, ठीक है, और यूज टू असेस द ग्रुप्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो टेबल है ना, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, बहुत दफ़ा आ चुका है, तो ये देख लें। CMMI मॉडल में यहाँ पे आपको नाम आपके गिवन होंगे और स्ट्रक्चर और डोमेन आपने लिखनी होती थी, ठीक है। ये पेपर में आपको टेबल बना हुआ था जिसमें नेम देवे सॉफ्टवेयर CMMI है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CMMI है, सॉफ्टवेयर एक्वेस्टिंग CMMI है, और फिर उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग CMMI है, FAA, फिर वो वाला IPD और पीपल CMMI और स्पाइस मॉडल, ये सारे मॉडल आपको गिवन थे, और आपने स्ट्रक्चर बताना था कि ये किस पे बेस करें, स्टेज है या कंटिन्यूस है या फिर हाइब्रिड है।
तो यहाँ पे तीन तरह के आपके स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो स्टेज है, एक कंटिन्यूस है, एक और तीसरा हमारे पास हाइब्रिड है। तो ये सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने, वाला टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको पेपर में टेबल बना के दे दें वो। तो देखें सॉफ्टवेयर सीएमएम में हमारे पास स्टेज उसका स्ट्रक्चर है वो स्टेज होता है। अभी हम आके देखेंगे स्टेज और कंटिन्यूस का डिफरेंस क्या है। अगर तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वो कंटिन्यूस है, अगर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन है तो वो स्टेज है, और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है तो वो कंटिन्यूस है। उसके बाद हमारे पास जो FAAICMM है ये हमारे पास कंटिन्यूस है। IPD हमारे पास जो है ना ये वाला एक स्पेशल है जो सिर्फ हाइब्रिड है, बाकी कोई भी हाइब्रिड नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक यही हाइब्रिड है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि ये वाला एक हाइब्रिड है। उसके बाद स्टेज आपके पास तीन है, ये वाला स्टेज है, पीपल CMM स्टेज है, और एक्विजिशन वाला भी स्टेज है, और सॉफ्टवेयर CMM स्टेज है। अगर आप स्टेज और हाइब्रिड को याद कर लेते हैं तो फिर कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे कि जो बाकी बच गए हैं वो सारे कंटिन्यूस हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर आपको पूछे हुए थे, डोमेन नहीं थी, स्ट्रक्चर था, टेबल स्ट्रक्चर मिसिंग था और आपने नेम बताने थे। तो ये आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CMM की रिप्रेजेंटेशन देखिए, रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो कर सकें। तो इसलिए इसके दो मॉडल रिप्रेजेंट किए गए थे, ये CMMI के मॉडल्स हैं, एक स्टेज और एक कंटिन्यूस मॉडल है। अब इन दोनों मॉडल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेज रिप्रेजेंटेशन है, स्टेज रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एक क्लासिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर कुछ चीज़ों ने बताई हुई कि इट प्रोवाइड अ प्रूवन सीक्वेंस ऑफ इंप्रूवमेंट, या आपको एक इंप्रूवमेंट की सीक्वेंस देता है कि आपने किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के जरिए से आपको ये इंप्रूवमेंट देता है। इसके अलावा जो कंपैरिजन होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें भी आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद चौथा तीसरा जो काम है उसके क्या है, प्रोवाइड इजी माइग्रेशन, ये इजी माइग्रेशन भी आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम SWCMM टू CMMI। और चौथा इसका जो पॉइंट है वो प्रोवाइड अ सिंगल रेटिंग दैट समराइज अप्रेजल रिजल्ट दैट अलाउ कंपैरिजन अमंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो चार स्टेप्स हैं ना जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन है। अब कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन आपको अलाउ करता है कि आप इंप्रूवमेंट का ऑर्डर खुद से सिलेक्ट कर लें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी इंप्रूवमेंट का ऑर्डर किस तरह बेस्ट रहेगा आप खुद सेट कर सकते हैं कि पहले इंप्रूवमेंट ये वाली होनी चाहिए, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो कंटिन्यूस में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेज के अंदर वो ऑलरेडी सीक्वेंस के साथ आपके इंप्रूवमेंट के स्टेप गिवन होते हैं। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कैपेबिलिटी लेवल्स हैं, 5 इसके अंदर लेवल हैं, 5 इसका हाईएस्ट लेवल है और 0 इसका लोएस्ट लेवल है। तो ये भी पेपर MCQs में बहुत दफ़ा आ चुका है कि लोएस्ट कौन सा और हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट 5 है और लोएस्ट 0 है। इसके बाद यानी कि जो नाम है वो भी आपने याद रखने हैं। 5 वाला ऑप्टिमाइजेशन है, ये उल्टा अगर आप देखें तो यहाँ 0 से स्टार्ट करें तो 0 से इनकम्प्लीट इंडिकेट करता है। उसके बाद 1 हमारे पास परफॉर्म्ड होता है, फिर 2 हमारे पास मैनेज्ड होता है, 3 हमारे पास डिफाइंड होता है, 4 हमारे पास जो है वो मैनेज्ड होता है क्वांटिटेटिवली, और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग होती है। तो ये हमारे पास जो इसके जो 6 स्टेप्स हैं ये, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो जो 6 स्टेप्स हैं ये आप अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, यानी कि आपका जो इस वाला पोर्शन है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन भी दिया हुआ है स्टेज वाले के, देखिए और कंटिन्यूस का कंपैरिजन भी आपको गिवन है कि इसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है वो मेच्योरिटी लेवल के अंदर इंप्रूव की जाती है, जिसके अभी हमने लेवल्स देखे थे उस तरह से। मेच्योरिटी लेवल हमारे पास है डिग्री ऑफ अ प्रोसेस टू इंप्रूव। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके अंदर जो प्रोसेस मेजरमेंट होते हैं वो कैपेबिलिटी लेवल के अंदर होती है। इसके अंदर हमारे पास मेच्योरिटी लेवल्स यूज होते हैं, इसके अंदर हमारे पास कैपेबिलिटी लेवल यूज होते हैं, और कैपेबिलिटी लेवल जो हमारे पास होते हैं वो अचीवमेंट ऑफ प्रोसेस होती है टू इंप्रूवमेंट विद इन अ इंडिविजुअल प्रोसेस एरिया। इन दोनों का डिफरेंस पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आगे भी इसका एक डिफरेंस दिया हुआ है वो मैं आपको शो करवाती हूँ। लेक्चर नंबर 45 में सबसे पहले उन्होंने जो अभी ने तो देखे थे 6 मॉडल लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक। लेवल 0 तो इनकम्प्लीट है तो उसको कंसिडर नहीं करते, उसको अगर आपको आ जाए पेपर में तो लेवल 0 जो हमारे पास इनकम्प्लीट होता है। लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक इन्होंने यहाँ पे लेक्चर नंबर 45 के अंदर डिस्क्राइब किया है CMM के जो लेवल्स हैं, उसके जो 5 लेवल्स हैं। अगर आपको पेपर में ये भी MCQ आता है कि कितने लेवल हैं, 5 हैं या 6 हैं, तो आपने कहना है कि 5 लेवल्स हैं, क्योंकि जो हमारे पास 6 लेवल हैं इनके जो 0 लेवल है वो इनकम्प्लीट है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो लेवल 5 है। लेवल 1 हमारे पास जो है वो एडहॉक है, यानी कि क्योटिक। इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस एट दिस लेवल। इस लेवल में जो आपके जो प्रोसेस होते हैं ना वो अनडॉक्यूमेंट होते हैं, और वो एक इस स्टेज में होते हैं कि उसके अंदर डायनामिक चेंज की जा सके। डायनामिक चेंज होती है रैंडमली चेंज, यानी कि ये जो फिक्स चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज हो सकता है, ये इस स्टेज के अंदर इस वक्त मौजूद होते हैं। तो इतना सा आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल है रिपीटेबल, रिपीटेबल लेवल में क्या होता है कि आपके जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे रहे होते हैं। लेवल 3 के अंदर आप डिफाइन है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस लेवल के अंदर वो सेट ऑफ डिफाइंड और डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड हो जाता है। अब सेट डिफाइन भी हो गया और डॉक्यूमेंट भी हो गया, जबकि लेवल 1 में वो अनडॉक्यूमेंट था, अभी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था, लेकिन लेवल 3 के अंदर वो डॉक्यूमेंट हो चुका है और इंप्रूवमेंट का टाइम अब आ चुका है।
लेवल फोर के अंदर मैनेज्ड है। लेवल फोर इसके अंदर क्या होता है, आपका जो प्रोसेस होता है इस लेवल के अंदर वो डिफरेंट प्रोसेस मैट्रिक्स को यूज़ करता है। यहाँ पे मैनेजमेंट भी इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, इसके अंदर इंक्लूड होती है क्योंकि हमने मैनेज्ड करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेवल लेवल फाइव ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर फोकस किया जाता है कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर उसको किस तरह से इंप्रूव करें, उसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल के जरिए इंप्रूव करें या फिर उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के जरिए इंप्रूव करें, किस तरह से इंप्रूव करें उसको डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अब आपका कोड मॉडल तैयार हो चुका है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने उसको इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर फोकस किया जाता है कि किस तरह से आप कंटिन्यूसली उसको इंप्रूव करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है, आपके प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे करेंगे, इंक्रीमेंटल के जरिए करेंगे, इनोवेटिव के जरिए करेंगे या फिर बोथ को यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ आपके लेवल नंबर फाइव के अंदर डिस्क्राइब होता है। तो ये फाइव लेवल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जीरो यहाँ पे देखें, लेवल जीरो को इनकम्प्लीट कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि ये एक्सटेंशन है एक, ठीक है, ये खुद से मॉडल का हिस्सा नहीं है, ये एक्सटेंशन है इसकी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू स्टेज का एक और कंपैरिजन यहाँ पे गिवन है, आप पीछे वाला कंपैरिजन कर लें या फिर ये वाला कंपैरिजन कर लें, एक ही बात है, ठीक है। आप जो भी कंपैरिजन आपको ज़्यादा ईजी लगे आपको कंपैरिजन प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, जो ये फाइव लेवल्स थे, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आपको पांचों लेवल को डिस्क्राइब करना पेपर में आ सकता है। तो यहाँ देखिए आप कितने सारे लॉन्ग आपके क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन और स्टेज रिप्रेजेंटेशन का एक और डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, इस डिफरेंस को भी आप देख सकते हैं और पिछले वाला डिफरेंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहा आप वो पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेडिशनल अप्रोच दी हुई है, ट्रेडिशनल अप्रोच के जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स वाइज आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन हमारे पास पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है, प्लानिंग और डिजाइनिंग करने के बाद चाहे वो एग्जीक्यूटिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग के बाद वो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में चला जाता है। अगर तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में कुछ इशू आ जाता है तो वापस वो प्लानिंग वाले फेज में चला जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा और फिर एंड पे वो क्लोजिंग स्टेज पे चला जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये स्टेप भी आपको स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और डायग्राम भी आपको पेपर में आ सकती है। यहाँ पे आपको इन्होंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेज पे है, फिर प्लानिंग पे है, फिर एग्जीक्यूशन में है, फिर मॉनिटरिंग में है और फिर कंप्लीशन स्टेज में है। ये वही लिखा हुआ है जो डायग्राम में गिवन है। तो अगर आप डायग्राम से कर लेते हैं तो फिर आपको जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में ट्रेडिशनल अप्रोच भी पूछ सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरह से। उसके बाद एसक्यू एक्टिविटी, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमने दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस और मेथड को क्वालिटी को बताया जाता है कि क्या क्या करना है हमने। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है ना वो फाउंडेशन होती है क्वालिटी की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो आपकी क्वालिटी जो मेयर करते हैं उसकी फाउंडेशन होती है, ये आपने याद रखना है। इसको क्वालिटी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। एसक्यू एक्टिविटीज़ आपकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी वो थ्रू आउट द प्रोसेस चलती जाती हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का गोल ये होता है कि वो एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करे जो आपको नेसेसरी डाटा दे दें, आपकी आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में जो आपको इन्फॉर्म करे वो आपको डाटा ये दे देते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी के हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। कुछ कॉस्ट यहाँ पे हमने बताई भी है, क्वालिटी की प्लानिंग में कॉस्ट लगती है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ होते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट होता है, ट्रेनिंग, ये सारी हमारे पास कॉस्ट है। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कॉस्ट क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होती है, तो आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट भी दी हुई है, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट के अंदर हमारे पास कंप्लेंट रेजोल्यूशन है, कोई कंप्लेन आ जाती है आपको किसी भी आपके कस्टमर से तो उसको रिजोल्व करना आपका एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट की रिटर्न हो गई है, रिप्लेसमेंट हो गई है या फिर हेल्पलाइन सपोर्ट है या वारंटी वर्क करना है या फिर कोई लॉ का इशू है, तो ये सारे जो इशू होते हैं ना एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि फेलर इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है। हमने इंटरनल फेलर कॉस्ट भी देखी थी जो प्रोजेक्ट के अंदर ही होती है, जिसके अंदर हमारे पास रीवर्क करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, प्रोजेक्ट के भी आपके पास ही होता है। एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट वो होते हैं जब आप प्रोजेक्ट दे चुके होते हैं और आपके कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कस्टमर से या फिर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है या फिर कोई वारंटी का काम करना होता है, तो वो सारी आपकी एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट आ जाती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद एसक्यू एक्टिविटीज़ हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स में होती हैं, ये भी हम पहले ही देख चुके हैं, ये वही बिल्कुल सेम, अगर आप वर्डिंग भी देखें तो सेम वही वर्डिंग है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होते हैं जो टेक्निकल वर्क करते हैं और एसक्यू एक ग्रुप होता है जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए, ओवरसेटिंग के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। एसक्यू ग्रुप एक्टिविटीज़ में सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पे ऑलरेडी आ चुका है। एसक्यू प्लान जब हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही होती है तब डेवलप करते हैं या फिर जब प्रोजेक्ट रिव्यू हो रहा होता है स्टेक होल्डर के जरिए तो उसको तब भी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि एसक्यू प्लान जो है वो कब डेवलप किया जाता है। एक तो ये तब डेवलप किया जाता है जब आपके प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही होती है, और दूसरा ये तब डेवलप किया जाता है जब आपके स्टेक होल्डर्स आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं।
तो ये हमारे पास एस क्यू ग्रुप एक्टिविटीज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है क्वालिटी कंट्रोल का, वो आपकी ये जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना होता है कि आपने हाई क्वालिटी का एक प्रोजेक्ट बनाना है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर वी वांट टू मिनिमाइज द प्रेडिक्टेड रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और इसको कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट को कैलेंडर टाइम पे करना चाहते हैं। कैलेंडर टाइम वो वाला टाइम होता है जो आपके कस्टमर ने आपको दिया होता है कि इतने टाइम में उसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, 3 मंथ्स में चाहिए, 2 मंथ्स में चाहिए, जब उसे चाहिए, तो वो आपका कैलेंडर टाइम हो जाता है। उस टाइम पर उस प्रोजेक्ट को देना, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट देना, ये हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट चीज़ों का। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये यहाँ पे देखिए, लास्ट लाइन आपकी है, क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट का कॉम्बिनेशन है एंड फीडबैक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक टूल्स एंड मैनुअल इंट्रोडक्शन का, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ये MCQs में पूछ सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 45 कंप्लीट हो गया है और हमने ये सीरीज़ के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए, हमारी सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था। होप्स हो कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप लोग अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी फीडबैक देख सकते हैं कि आपको किस तरह से ये लेक्चर अच्छे लगे हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम मोटिवेट होते हैं और फर्दर हम अपने काम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपने फीडबैक ज़रूर देनी है। ये लेक्चर्स लेने के बाद आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एट लास्ट हम। तो हमारे लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने देखा कि ये लेक्चर बहुत छोटे थे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं 94 पेजेस हैं हमारे पास, लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 आपका सिलेबस है और 94 पेजेस हैं, जस्ट 94 पेजेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि ना किया जा सके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेक्चर सुनने हैं, शॉर्ट लेक्चर से पहले सुनने हैं, उसके बाद आप लोगों ने हैंड आउट्स को एक रीडिंग ज़रूर देनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे स्किप कर देते हैं, लेक्चर तो सुन लेते हैं लेकिन हैंड आउट्स को वो रीडिंग नहीं देते। हैंड आउट्स को जब आप खुद से रीडिंग देते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपके माइंड ने कितनी चीज़ें आपके लेक्चर से पिक की हैं और कितनी चीज़ें पिक नहीं की। अगर आप अक्सर हैंड आउट्स आप रीड करेंगे ना लेक्चर लेने के बाद, तो आपको लगेगा कि ये वाली चीज़ तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो आपके माइंड ने पिक नहीं की होती, तो वो आप दोबारा से जाकर लेक्चर देख सकते हैं, आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। तो हैंड आउट्स आपको आपने एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर देनी है। सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो आपके हैंड आउट्स होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। जब भी आप फाइनल टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी आपके बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हैंड आउट्स ही होते हैं, क्योंकि आपका पेपर कहीं से आए ना आए हैंड आउट्स से ज़रूर आता है। अब पास्ट पेपर जब हम करते हैं तो उसमें एक डाउट होता है कि पास्ट पेपर से पेपर आएगा भी या नहीं, वो हम डाउटफुल होते हैं कि आएगा भी कि नहीं, लेकिन हैंड आउट्स में कोई डाउट नहीं रहता कि पेपर नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, तो पेपर आपके हैंड आउट से ही आएगा। तो पेपर आप लोगों ने हैंड आउट्स को एक दफ़ा क्विक रीडिंग देनी है, शॉर्ट लेक्चर्स आपने लेने हैं, उसके बाद आपको हैंड आउट्स को रीडिंग देनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप पास पेपर्स की फाइल्स पर जा सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपको करंट पेपर्स की फाइल्स मिल जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। मैंने चैनल पर ऑलरेडी कुछ फाइल्स अपलोड की हुई हैं, कुछ वीडियोज़, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे आप देखें फाइनल टर्म MCQs की एक आपको वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ MCQs डिस्कस किए हैं आप लोगों से। इसके अलावा इसके अंदर मैंने बहुत सारे MCQs और भी मर्ज किए थे जो डिफरेंट लोगों ने जो है बनाए थे, उनको मर्ज करने के बाद मैंने करेक्ट भी किए थे कि कोई गलती ना हो। तो ये 100% करेक्ट MCQs हैं, यहाँ से आपको फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से अगर फाइल नहीं मिलती तो आप वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं, जैसे कि ये है आपका वेबसाइट पर आपको हाईलाइटेड हैंड आउट्स भी, यहाँ पर आपको करंट पेपर्स वाले सेक्शन में जाना है आपसे, ठीक है। वेबसाइट खोल के आप करंट पेपर्स के जब सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे करंट पेपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं और 605 के भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आप रीड मोड पर जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्विजेज़ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्विजेज़ की भी कुछ फाइल्स अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जो फाइनल टर्म पास्ट क्विजेज़ थे वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फाइनल टर्म के यहाँ पे पेपर भी आपको फाइनल टर्म के यहाँ से मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वेबसाइट पे सब कुछ अपलोडेड है, आप वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, बहुत सारी फाइलें यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो यहाँ से आप लोग ये फाइलें ले सकते हैं, इजी टू डाउनलोड है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। MCQs ये वाले प्रिपेयर करने के बाद आई एम 100% श्योर कि आपका 80-90% MCQs यहीं से आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हैंड आउट से ही उठाई हुई सेंटेंसेस हैं, ये कहीं और से नहीं आए हुए, हैंड आउट से ही आए हुए। जब इसको आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ पेपर तो हैंड आउट से ही आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, एक पास्ट पेपर सॉल्व किए थे मैंने 2022 के, यानी कि 2022 के दोनों सेमेस्टर के पेपर्स के अंदर मैंने सॉल्व किए थे, अभी 2023 यानी कि पिछले साल के पेपर्स। तो ये आपके करंट पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये लेक्चर्स लेने के बाद आपने इस वाली वीडियो को जरूर जाके देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारे करंट पेपर्स मिल जाएंगे 2022 के विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन से आप इसकी फाइल डाउनलोड करें और उस फाइल को पढ़ें, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। पास्ट पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पेपर रिपीट होता है। और यहाँ पे मैंने पास्ट पेपर सब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, 4 पेपर यहाँ पे मैंने सॉल्व किए थे वकार सिद्धू के सब्जेक्टिव, ये पेपर भी आप देख सकते हैं और उसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये 3 वीडियोज़ आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास फाइनल एक प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया आप लोगों के लिए फाइनल टर्म प्रिपरेशन के नाम से। इस वाली प्लेलिस्ट को आपने जरूर विजिट करना है, यहाँ पे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस मिल जाएंगी, वो आपने देखनी है। तो लेक्चर लेने के बाद आपका सेकंड काम ये होना चाहिए कि आप जो है वो फाइल्स प्रिपेयर करें, और करंट की अगर आपको मिलती है तो आप जरूर प्रिपेयर करें। इसके अलावा मेरे पास 2023 के करंट पेपर्स भी मौजूद हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उनको सॉल्व करूँ। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है जो सॉल्व करना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, मैं उसको क्वेश्चन की फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, तो वो सॉल्व कर सकता है उन क्वेश्चंस को भी, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए सॉल्व करके वो शेयर करूं। इसके अलावा मेरे पास एक ओवरसीज का पेपर भी मौजूद है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ओवरसीज का पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं इस सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट के वो सारे चीज़ें करने के बाद, इन सारी फाइल्स को करने के बाद और हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद आपका 4 CGPA आना कोई मुश्किल बात नहीं रही, अब बहुत ही ईजिली आप इसको गेन कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम फाइल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, इसके अलावा ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स का भी शेयर करें जो इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए परेशान हैं, वो भी इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट सीरीज़ की फीडबैक जो है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट सीरीज़। सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।